जिस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं, ठीक उसी तरह से आप चाहो तो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। हाय दोस्तों, हाईटेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई देखो, जिन लोगों के पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है और वो इंटरनेट से अगड़म बगड़म दगड़म मतलब कुछ भी डाउनलोड करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई उनका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर उनके अलावा और कोई यूज ना करे, तो भाई वीडियो पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिक्योरिटी बताने वाला हूं जिससे आप अपने स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट से अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो विंडोज में आपको पासवर्ड की सुविधा मिलती है, बट अगर आप पासवर्ड ऐसे लगाओगे और आपका फ्रेंड पास में बैठा है तो हो सकता है कि वो आपका पासवर्ड देख ले, बट फिंगरप्रिंट को अनलॉक करना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें पासवर्ड तो मतलब उंगली में होता है ना, तो कैसे अनलॉक होगा। और वैसे भी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को बाईपास करना भाई नामुमकिन है, तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस तरह से इसका सेटअप करना है, और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। देखिए, सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल करना है और इस ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इस ऐप को आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी एक छोटा सा मॉड्यूलर इंस्टॉल करना होगा, यानी कि इसी ऐप का एक सॉफ्टवेयर है हम इसे कह सकते हैं, और इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उसे भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले यहां पर मैं आपको ऐप का सेटअप करके दिखा देता हूं। सिंपल, आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको अपना फिंगरप्रिंट जो है देना होगा एक बार, तो आपने फिंगरप्रिंट दे दिया, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको जाना इस 3 लाइन पर, इसके बाद यहां पर आपको स्कैन का बटन मिल जाएगा, स्कैन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जाना आपको प्लस वाला आइकॉन पे। यहां पर आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बाय ब्लूटूथ, बाय आईपी और बाय स्कैनिंग। बट स्कैन करने से पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में भी सेटअप करना होगा, तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद सारा सेटअप अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसे आपको कहीं ओपन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जब आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लॉक स्क्रीन पर होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि यहां पर मेरा लैपटॉप लॉक है, अब ये फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन मुझे कहां देखने को मिलेगा, तो सिंपल है, मैं जाऊंगा यहां पर वाईफाई वाले आइकॉन पर। यहां पर आप देख सकते हैं वाईफाई का आइकॉन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहां पर फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, तो सिंपल है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद ऐप को ओपन करना है और करना है आपको स्कैन। स्कैन पे यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा, ब्लूटूथ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं मेरे लैपटॉप को जो है वो कनेक्ट करूंगा। तो सिंपल है, मैं पहले इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर यह कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद सिंपल है, आपको यहाँ पर इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इसे ओके करना है। हालांकि अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया है, तो हमें अकाउंट भी जो है वो बनाना होगा। तो सिंपल है, हम जाते हैं यहाँ पर माय अकाउंट में। माय अकाउंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कंप्यूटर का नाम जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो सिंपल है, आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, ऐड अकाउंट में जाना है, ओके करना है, और यहाँ पर आप अपना अकाउंट नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। अकाउंट नेम और पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आपको करना है इसे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से मतलब अनलॉक करना होगा अपने स्मार्टफोन को, और यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब हम डिवाइस को अनलॉक करके देखते हैं। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, ये रहा मेरा स्मार्टफोन। तो चलिए स्मार्टफोन को यहाँ से मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से बस अनलॉक करूंगा, और जैसे मैं अनलॉक करता हूँ आप देख सकते हैं विथ इन 1 या 2 सेकंड के अंदर ही लैपटॉप जो है वो अनलॉक हो जाता है। चलिए एक बार मैं फिर से ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, फिर से मैं यहाँ से इसे अनलॉक करता हूँ, यानी कि स्मार्टफोन से अनलॉक करता हूँ, और मेरा लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। यहाँ पर मुझे मतलब लैपटॉप में कोई पासवर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मतलब जब भी मुझे मेरे लैपटॉप को अनलॉक करना होगा, मैं मेरे स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर से मेरे लैपटॉप को अनलॉक कर पाऊंगा, और मेरे फिंगरप्रिंट सेंसर से भाई कोई भी मेरे लैपटॉप को अनलॉक नहीं कर पाएगा। ये काफी कमाल की बात है। और हाँ, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको उसी आईडी और पासवर्ड को यूज करना है जो आईडी पासवर्ड आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लगा के रखा हुआ है, यानी कि जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, जो नेम है, वही पासवर्ड और नेम आपको ऐप के अंदर भी लगाना होगा। तभी आपको पता चलेगा कि भाई किस लैपटॉप को अनलॉक करना है, किस आईडी और पासवर्ड वाले लैपटॉप को अनलॉक करना है। तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आपके लैपटॉप में जो है वही आपको ऐप के अंदर भी लगाना होगा। और भाई, अगर बाय चांस आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता है, तो आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से पेयर कर लो पहले अपने डिवाइस को, इसके बाद ट्राई करना, आपको डिवाइस मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और फटाफट से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप के सभी ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी आप कर सकते हैं। और
आप इस वीडियो को खास तौर पर उन लोगों को भी शेयर करना जिनके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं ऐसी नई नई ऐप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।